ऑल ऑल ऑफ यू यू आई वेलकम ऑन ई यूटूब चैनल इट्स टाइम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे तबीयत आपकी बिल्कुल अच्छी होगी ठीक होगी और उम्मीद करती हूँ आपने सीजर वाला फॉर्म भर दिया होगा सी एच सर भी भरा होगा तो देर किस बात की है फिर तैयारी में लग जाइए मेहनत कीजिए ईमानदारी से क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं वो ज़िंदगी में सफल ज़रूर होते हैं और हम भी मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए और जैसे कि मैंने बोला था आप सभी से कि जो नो सोनर मैंने आपको कल जो मंडे था पढ़ाया था और नो सोनर वाले जो टॉपिक है देखो बट क्लास नंबर से कंफ्यूज मत होना जो हमारी पहली क्लास थी ना उसको हमने पहली क्लास माना ज़रूर है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था बट उसमें हमने कुछ टॉपिक नहीं पढ़ाया इसलिए हम उसको पहली क्लास नहीं मान रहे हैं फिर दूसरी क्लास में आपको पहली क्लास मिली थी जिसमें हमने वन ऑफ द का कॉन्सेप्ट और टॉपिक नंबर पहला पढ़ाया था क्लास दूसरी थी वो फिर तीसरी क्लास के अंदर हमने दूसरा टॉपिक पढ़ाया था एडक्टिव क्लॉज फिर चौथी क्लास के अंदर टॉपिक थर्ड था रिलेटिव प्रोनाउन फिर पांचवी क्लास जो हमने आपसे पढ़ाई थी पांचवी क्लास के अंदर उसके अंदर हमने नो सोनर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया होगा फिफ्थ सिक्स क्लास राइट फिर, फिर यहाँ पर जो हमारी क्लास है सिक्सथ या सेवन्थ जो भी होगी मार्किंग के हिसाब से जो वहाँ पे मैंने पढ़ा है तो नो सोनर के बाद आज मैं आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा दूंगी मैंने पीडीएफ नहीं दिया है मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगी आप बेफिक्र रहिएगा और दे दिया हो तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा मुझे याद नहीं अगर भेज दिया तो अच्छी बात तो है नहीं भेजा तो मैं भेज दूंगी राइट नो सोनर की प्रैक्टिस पर और मैंने उसी आपके असाइनमेंट जो भेजा है उसी में से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस में करा रही हूँ तो 26 क्वेश्चन है टोटल इस शीट के अंदर आप देखेंगे अपनी नोटबुक के अंदर तो मैंने कल की क्लास में पांच कराए थे आज छः से सत्रह बारह क्वेश्चन करा रही हूँ आप सभी को और कुछ एक बात और नई भी सिखा दूंगी यहाँ पर और उसके बाद बचता है अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तीस चौबीस पच्चीस छब्बीस नौ क्वेश्चन बचते हैं जो आप खुद सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं फिर भी कोई डाउट हो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा मेरा कांटेक्ट नंबर आप सभी के पास है नाइन सेवन वन एट जीरो नाइन फोर टू वन टू मेरा कांटेक्ट नंबर है आप सभी अपने पास सेव कर सकते हैं नंबर और जब भी कोई डाउट हो कोई स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा बट आप ये सोचें कि मैं ऑन द स्पॉट रिप्लाई कर दूंगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है उसका कारण है क्योंकि कई क्यों क्यों बार हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे होते हैं कई बार हम लाइव क्लासेस ले रहे होते हैं कई बार हमारे क्या कहते हैं ऑनलाइन बैचेस होते हैं कई बार हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं आप सबके लिए यूट्यूब के लिए तो जैसे ही फ्री कई बार हम कंटेंट बना रहे होते हैं सो देआर लॉट ऑफ थिंग्स हम सबकी लाइफ में हैं और आप सभी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं जितने भी हमारे बच्चे चाहे वो दिल्ली वाले बच्चे हों जो हमसे मुखर्जी नगर या फिर लक्ष्मी नगर पढ़ते हों या फिर कोचिंग आके या वो बच्चे हों जो हमसे ऑनलाइन पढ़ते हों एप्लीकेशन पे पढ़ते हों परचेज कोर्स के अंदर या वो बच्चे जो यूट्यूब पर फ्री पढ़ते हों हमसे है ना बेटा देखो फ्री पढ़ाने के लिए ना बहुत ना, मतलब बड़ा दिल होना चाहिए क्योंकि सारा कंटेंट मैं बहुत ही बेहतरीन से प्रोवाइड कर रही हूँ और आपको कहीं ना कहीं फील भी होता होगा कि कहीं फ्री लगता नहीं है क्योंकि इतनी एफ़र्ट हम लगा रहे हैं इडियम फ्रेज खुद से याद करा है प्रैक्टिस ईडियम की खुद चला रहे हैं वन वर्ड याद कराते हैं अगले दिन टेस्ट लेते हैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं कॉन्सेप्ट दे रहे हैं फंडामेंटल मैंने पूरा पढ़ा दिया प्ले में जरूर चेक करो फंडामेंटल नहीं पढ़ा है तो बहुत समय है पढ़ो पहले फाउंडेशन पढ़ो फिर वो बेसिक पढ़ो फिर वो एडवांस पढ़ो फिर टेल्थ पढ़ो फिर कंडीशनर पढ़ो फिर क्वेश्चन टैग पढ़ो ताकि जब मैं फरवरी के बचा के रखा है ताकि जो पुरा, अभी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं हमारे साथ वो भी कवर कर पाए फंडामेंटल और यहां पर जो मैंने ग्रामर किया मैंने तो आपसे इस ग्रामर सेशन के बाद ऐसा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि आपसे एरर इंप्रूवमेंट गलत हो जाए तो चलो शुरू करते हैं और मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ यहाँ पर तो सॉल्व करते वक्त ध्यान दीजिएगा बट मैं पहले चाहती हूँ कि तो टोटल कितने क्वेश्चन हैं बारह क्वेश्चन हैं इस बारह क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा समय देती हूँ और आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए और फिर चेक कीजिएगा कितने मेरे नंबर आए कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना नंबर कितने आए और दूसरी बात कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की आपकी बहुत ज़रूरत है हम सभी को तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए करिए इस चैनल को और लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए जितनी मैं कर सकती हूँ बेटा अपने लेवल पर दूसरी बात ये कि आप सब बहुत अच्छे हैं इंटेलिजेंट हैं ईमानदार हैं मेहनत कर रहे हैं और हमें ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो खूब मेहनत करते हैं तो मेगाट ब्लेस यू ऑल तो चलो शुरू करते हैं फिर एक बार क्लास को राइट सो आपको दिख रहा है बोर्ड पर अच्छे से क्लियर हो रहा होगा विजिबल मैंने कोशिश की है जितना क्लियर लिख पाऊँ और बड़ा लिख पाऊँ तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ उम्मीद करती हूँ आप सभी ने क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लिए होंगे और एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ कर लेते हैं फिर सॉल्यूशन कराऊंगी आपको और समझिएगा भाई तो जब हम नो सोनर पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा है नो सोनर में ईआर बैठा होता है और जब नो सोनर में ईआर बैठा है तो ये ईआर किसके लिए आता है बेटा कंपैरेटिव डिग्री के लिए आता है तो ये कंपैरिजन बताता है राइट तो कंपैरिजन के लिए हम जानते हैं कि हम क्या लगाते हैं देन लगाते हैं टी एच ए एन लगाते हैं ठीक है और ये दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी आता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये कनेक्टर है तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमेशा क्या यूज़ होता है कनेक्टर जो कनेक्ट करता है सेंटेंस किससे शुरू होता है जानते हो है ना भाई सब्जेक्ट से तो सब्जेक्ट वर्ब है तो वो सेंटेंस है तो यहाँ पर भी हम चेक करते हैं समझने का प्रयास करेंगे तो छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था और जब इससे शुरुआत होती है तो हम इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं मतलब वह पहले आता है सब्जेक्ट बाद में आता है यही पढ़ा है आपने दो ही पॉइंट पढ़े हैं कि नो सोनर में ई ER बैठा है कम्पेटिव डिग्री कंपेरिजन देन के लिए आता है और अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप पीछे जाके पिछली वाली क्लास इससे जो बिल्कुल मतलब जो कल आई है वो क्लास देखना आपको आपकी बात क्लियर हो जाएगी और चाहे चाहे आपका मन करे या ना करे देखना ज़रूर देखो बेटा मैंने मेहनत भी की है और दूसरी बात ये कि उस वीडियो के अंदर आपके जो इससे पहले देखो जो देख रहे हैं ना कि सिक्स से क्वेश्चन है इससे पहले क्वेश्चन कहाँ गए तो इससे पहले क्वेश्चन पिछली वाली वीडियो में है आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर राइट right, तो शुरू करते हैं यहाँ पर और समझने का प्रयास करेंगे नो no सोनर से बैठा है सभी में सारे सेंटेंसेस में सबसे पहले चेक करेंगे नो सोनर स्टार्टिंग में बैठा है जब नो सोनर स्टार्टिंग में बैठा है तो ये बहुत क्लियर है कि हमारा क्या आएगा इनवर्ज़न आएगा अगर किसी एडवर्ब से किसी नेगेटिव एडवर्ब से शुरुआत होती है क्योंकि नो बैठा है नो मतलब कभी नहीं ये हमारा पूरा क्या है बेटा एक नेगेटिव एडवर्ब है क्या है नेगेटिव एडवर्ब और जब कोई नेगेटिव एडवर्ब होता है तो अपने साथ इनवर्जन लेता है इसलिए यहाँ पर ये सभी क्या है एक नेगेटिव तो है बट क्या है एडवर्ब है ये भी नो सूनर है नेगेटिव एडवर्ब है ये भी नो no सूनर है नेगेटिव एडवर्ब है ये भी नो no सूनर है नेगेटिव एडवर्ब है एडवर्ब क्या होता है जो वर्ब हमें बटिया होम का रिप्लाई ना देकर किसी दूसरी डब्ल एच फैमिली वर्ड का रिप्लाई देती है वो हमारा क्या होता है एडवर्ब होता है और नो no बैठा है तो ये एडवर्ब कैसा हो गया नेगेटिव एडवर्ब हो गया है कैसा एडवर्ब है नेगेटिव एडवर्ब है है ना बेटा तो नो सूनर हमारा कैसा एडवर्ब है नेगेटिव एडवर्ब है बेटा कैसा एडवर्ब है नेगेटिव एडवर्ब है नेगेटिव एडवर्ब है ये बात तो क्लियर है अब जब हमारे सेंटेंस की शुरुआत सभी में नेगेटिव एडवर्ब से हो रही है तो ये बात बहुत क्लियर है कि आने वाला जो सेंटेंस होगा वो इनवर्जन के साथ बनेगा इसके साथ क्या लगेगा आपका इन इनवर्जन मतलब क्या अपोजिट है ना आपने पढ़ा है पहले वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पर हमने देखा पहले क्या आई है वर्ब आई है और फिर द डॉक्टर क्या आया है सब्जेक्ट आया है ठीक है तो वर्ब आई सब्जेक्ट मतलब यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है पर तो यहाँ पर आप सेंटेंस में चेक करेंगे तो पहले क्या बैठा है सब्जेक्ट बैठा है फिर आपकी वर्ब बैठी है इसका मतलब ये दे हैड नहीं होना चाहिए था क्या होना चाहिए था हैड दे होना चाहिए क्योंकि तो पहले वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा क्लियर है अब यहाँ पर भी हमारा पहले वर्ब है फिर हमारा सब्जेक्ट है तो ये भी बात ठीक है यहाँ देखोगे पहले सब्जेक्ट है और फिर वर्ब है गलत है बेटा क्या होगा पहले हैड आएगा और फिर आई आएगा राइट यहाँ पर पहले वर्ब है और फिर आपका सब्जेक्ट है तो क्लियर है बात अब यहाँ पर नो सुना है तो यहाँ पर पहले वर्ब है द टीचर आपका सब्जेक्ट है शी हैड सब्जेक्ट है और वर्ब है जबकि पहले वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट तो शी हैड नहीं होगा क्या होगा बेटा हैड शी होगा क्या होगा हैड शी होगा ठीक है अब यहाँ देखेंगे डेड बैठा है वर्ब है बिल्कुल ठीक है द फिशरमैन क्या है सब्जेक्ट है यहाँ पर डेड क्या है वर्ब है द फिशरमैन क्या है यहाँ पर आई फिनिश क्या है सब्जेक्ट है आपका आई फिनिश क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका ठीक है आई सॉरी 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 एक सेकंड दीजिएगा बस आई यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट है आपका नो सौ उनर के बाद डेढ़ क्या है वर्ब है द कैट क्या है आपका सब्जेक्ट है और यहाँ पर डेढ़ क्या है वर्ब है ही आपका क्या है सब्जेक्ट है तो क्लियर है सब जगह वर्ब और सब्जेक्ट था जहाँ पर नहीं था हमने वहाँ पर रिमूव कर दिया है गलती को ठीक कर दिया है बिल्कुल सही अब हमने दूसरी बात पढ़ी है कि यहाँ पर डेढ़ बैठा है डेढ़ के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट हम आनी चाहिए बिल्कुल आई है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यहाँ पर देखेंगे हेड के अकॉर्डिंग वर्ब थर्ड आनी चाहिए बिल्कुल आया है कोई दिक्कत नहीं है तो हमने क्या पढ़ा डिड के बाद तो भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी बट हैड के बाद क्या लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी अब डिड के बाद यहाँ पर क्या लगाया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हेड के बाद क्या लगा है? स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है डिड के बाद भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एंटर दे रखा है हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है रियलाइज देखो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है यहाँ पर डेढ़ के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए first form, first form फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल दे रखी है ये रही बेटा डेढ़ के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए तो फिनिश यहाँ पर क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डेढ़ के अकॉर्डिंग मूव यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है ठीक है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है बेटा क्या है फर्स्ट फॉर्म है दिख रही है आपको अब नो सोना डेढ़ लिखा है डिट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है क्लियर है तो टेंस के अकॉर्डिंग भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं कि नो सोना का नेगेटिव एड है तो पहले वर्ब सब्जेक्ट क्लियर पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट कि हमने यहाँ ध्यान से देखा कि डेड के बाद वी वन बैठा है और हेड के बाद थर्ड बैठा है गलती होती तो सही करते फिर हमने पूरा नो सूनर में ई आर बैठा है सब जगह और ई आर कंपेरिटिव डिग्री के लिए आता है मतलब कंपेरिजन बता रहा है और कंपेरिजन में टी एच ए एन होता है इसका मतलब ये टी एच ई एन गलत है क्या होगा टी एच ए एन वाला हो जाएगा यहाँ पर डब्ल्यू एच ई एन नहीं आएगा टी एच ए एन आएगा यहाँ पर क्या गलती हो देखो ये देन है ये बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है कोई गलती नहीं तो इस पार्ट में तो यहाँ गलती है इस पार्ट में यहाँ गलती है और यहाँ पर ये यह गलती इसके अंदर दे दी थी राइट अब यहाँ पर हम देखेंगे वैन नहीं आता बेटा टी एच ए एन आता है नो सोनर बेटा है कंपैरिजन के लिए देन आएगा यहाँ पर इन्होंने देन ले रखा है बिल्कुल ठीक है गलती यहाँ पर दी थी आई हेड के अंदर तो फर्स्ट पार्ट में गलती हो जाएगी नो सोनर हैड द हॉकी मैच हैड के अकॉर्डिंग क्या आएगा वर्फ की थर्ड फॉर्म आएगी हैड के अकॉर्डिंग वर्फ की थर्ड फॉर्म बिल्कुल दे रखी है ठीक है और यहाँ पर नो no सूनर में ई आर बैठा है कंपेटेटिव डिग्री के लिए क्या आता है टी एच ए एन आता है मतलब इस पार्ट में गलती हो गई नो सूनर देते टीचर एंटर वन नहीं आता बच्चा नो सोनर कम्पेरेटिव डिग्री कंपेरिजन के लिए टी एच एन आता है नो सोनर है कम्पेरेटिव डिग्री है तो देन आएगा बिल्कुल है ना यहाँ पर दे रखा है तो बिल्कुल ठीक लिखा है इस पार्ट में फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर गलती है क्योंकि गलती सब्जेक्ट ऑफ बाब में दी गई थी यहाँ पर अगर हम देखें समझने का प्रयास करें तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके एग्जाम के हिसाब से ठीक है अभी इसको होल्ड पर डालिएगा चेक करा देती हूँ नो सोनर डिड आई फिनिश माई स्पीच यहाँ पर भी जो दे रखा है बेटा ये भी आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होल्ड पर डालो तो नो सूनर लिखा है वेन नहीं आएगा क्या आएगा देन आएगा ठीक है तो यहाँ पर यह इस पार्ट में गलती हो गई और यहाँ पर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ पर नहीं सोच पाओगे क्योंकि मैं अभी आपको क्लियर भी करा दूँगी बेफिक्र है ना ठीक है अब इन तीन क्वेश्चन को आप तब कर पाओगे जब आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे यहाँ तक तो आपने कल की क्लास में पढ़ा था और उम्मीद करो सब में बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और मुझे अच्छे से कमेंट करके बताना कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत कोई परेशानी है अगर है तो मुझसे पूछो और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है आई एम वेरी हैप्पी कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं आपको अच्छे से समझ आ गया अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है उसके बाद आप देखेंगे दोबारा से आपका क्या दे दिया गया है सब्जेक्ट दे दिया गया है और वर्ब दे दिया गया है इसका मतलब सब्जेक्ट से बिल्कुल पहले बैठा है यहाँ पर राइट ठीक है देन यहाँ पर भी देखो सब्जेक्ट है आपका वर्ब है पहले भी सब्जेक्ट वर्ब था और बिल्कुल उससे पहले क्योंकि कनेक्टर का भी काम करता है है ना जो दो सेंटेंस क्योंकि ये भी एक सेंटेंस हो गया ये भी सेंटेंस इसको जोड़ने के लिए आ रहा है द स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया स्टूडें आपकी वर्ब हो गई उससे बिल्कुल पहले बैठा है तो यहाँ पर भी देखो सब्जेक्ट बैठा है ये आपकी वर्ब बैठी है बिल्कुल इसे पहले आया है यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट है ये आपका वर्ब है बिल्कुल इसे पहले आया है यहाँ देखिएगा ये सब्जेक्ट है यहाँ पे देखिएगा ये वर्ब है बिल्कुल इसे पहले आया है यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट है यहाँ पे देखिए ये वर्ब है बिल्कुल इसे पहले आया है अब यहाँ पर भी आप हाँ देख सकते थे कि ये सब्जेक्ट था द माइस है ना और बिगिन आपका वर्ब है बिल्कुल इससे पहले लगा है तो ये बात तो क्लियर है आगे सब में सब्जेक्ट वर्ब बैठा है बाद में भी सब्जेक्ट वर्ब बैठा है तो सब्जेक्ट से पहले ही आ रहा है क्योंकि तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या आता है मेरे बच्चों देखो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए अगर यहाँ पर भी आपको एक सेंटेंस बैठा है और यहाँ पर भी आपका एक सेंटेंस बैठा है और इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको हम क्या बोलते हैं कनेक्टर बोलते हैं क्या बोलते हैं कनेक्टर बोलते हैं और उस कनेक्टर में हमारी कंजक्शन का इस्तेमाल हो रहा है और उस कंजक्शन का नाम आपको बता दें तो आपको पता है टी एच ए एन है क्या है टी एच ए एन है तो यह है इतनी बात जो यहाँ समझ आ गई तो क्लियर है अब यहाँ पर हमको ढूंढना है बाद वाला सब्जेक्ट क्योंकि उससे पहले ही बिठाएंगे तो यहाँ पर हमें देखें सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट है वब है सब वब सब्जेक्ट बाद में लिखा है बट सब्जेक्ट तो वब तो है ना यहाँ पर तो सब्जेक्ट दो जा रहा कहाँ लिखा है यहाँ लिखा है ठीक है यहाँ पर वर्ब है ना कहाँ लिखी ये लिखी है यह एडव आ गया ठीक है कि कलवाई बैठा है ना वब से पहले एडव आ जाता है वब से पहले क्योंकि हमारे मेन है इससे पहले एडवाब आ सकता है तो यहाँ पर ये यह जो दैट है ये गलत होगा बेटा टी एच एन आएगा कम्पेरिजन के लिए ये ये जो दे रखा है गलत है नो सूनर में ई आर बैठा है जो कि आपको शो कर रहा है कंपेरिटिव डिग्री तो कंपेरिजन के लिए आप टी एच ए एन लगाएंगे इस वजह से इस पार्ट में आपकी गलती हो जाएगी अब आपने यहाँ पर दैट देख के तो फिर भी ठीक कर लोगे आपका दिमाग चल जाएगा बट ये जो दो क्वेश्चन है जहाँ पर आपका दिमाग चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और एग्जामिनर जब मेंस लिखेगा ना तो यहीं से इस तरीके से आपसे पूछ लेगा प्रेम तो नहीं पूछेगा अगर बहुत टफ शिफ्ट आई तो पूछेगा बट मेन्स के अंदर इस तरीके से पूछ सकता है बट आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ गलती नहीं दी यहाँ सब्जेक्ट दे दिया और ये वर्ब है तो सब्जेक्ट से पहले आता है ना मतलब इसी पार्ट में गलती होगी तो यहाँ पर इसने क्या नहीं दिया देन नहीं दिया जो कि इसे देना चाहिए था किससे पहले इससे पहले इसको देन देना चाहिए था तो इस पार्ट में गलती हो गई इसी तरीके से यहाँ चेक कीजिएगा यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है उसने यहाँ पर आपको वर्ब दिया है तो सब्जेक्ट से पहले आना चाहिए था मतलब यहाँ पर इसका क्या आना चाहिए था टी एच ए एन मतलब सब्जेक्ट से पहले क्या लिखा होना चाहिए था तो इस पार्ट के अंदर क्या हो गई गलती है ना अगर आपको ये बात नहीं पता होती तो शायद आप नहीं कर पाते मैंने क्या बोला कि यहाँ पर आप ढूंढिए सब जगह सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब फिर सब्जेक्ट और वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर सब्जेक्ट फिर सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट से बिल्कुल पहले है क्योंकि आगे भी सब्जेक्ट और वर्ब पूरा सेंटेंस और दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कनेक्टर और कनेक्टर में क्या आ रहा है टी एच ए एन आ रहा है ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या आता है कनेक्टर आता है और यहाँ पर हमारी कंजक्शन कौन सी यूज़ हो रही है टी एच ए एन हो रही है तो भाई यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले लगा दीजिएगा सर ना ठीक है सब्जेक्ट से पहले लगा दीजिएगा और सब्जेक्ट से पहले है ना यहाँ टी एच ए टी दे रखा है दैट जबकि यहाँ पर कंपैरिजन की बात हो रही है और कंपैरिजन मींस कम्पैरिटिव डिग्री है ई ER आर है ब्लैकर है रिचर है स्ट्रोंगर है क्लियर हो रही है मेरी बातें समझ आ रही हैं और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ताकि और अच्छे से मजबूत होए तो आप इससे पहले वाली क्लास पढ़ें फिर उसके बाद इसको देखें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा क्योंकि इसको नया टॉपिक नहीं बोलूँगी तो नो सूनर के साथ मैंने बात लिखी है प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो क्योंकि मेरे पास कल समय नहीं बच पाया था क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता है फिर भी हम निकालते हैं आप सभी के लिए समय मेरे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हैं इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो हमें इस तरीके से सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मैं को ऐसा लगता है कि आप अपना काम भी ईमानदारी से करेंगे और मैं अपना काम ईमानदारी से कर रही हूँ सो so, अगर चीज़ अच्छी लगी हो तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स के साथ और लाइक कीजिए कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी और कितने मार्क्स आए आपके सो टूडेज क्लास स्टिल हियर वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास चिल दैन टेक केयर बाय बाय और कुछ नया सीखा हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आज की क्लास में नया क्या सीखने को मिला बाय बाय